अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सचिन डे घरेलू देसी नुस्खे में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर जो आपकी खुश्की है या आपके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया है कि आपके शरीर में पानी की कमी है, या आपके सिर जकड़ा जकड़ा रहता है और आपके खुश्की रहती है, हमेशा आपका हलक सूखा रहता है, तो दोस्तों और कि इस तरीके की कोई भी परेशानी बनती है तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बात करना, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि ऐसे आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लेना है, सीधे रेमेडीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके अगर जो खुश्की, प्यास अधिक लगना या आपके शरीर में पानी की कमी है और खुश्की के कारण आपकी नस जो दिमाग की है वो जकड़ी जकड़ी रहती है और आपके थूक भी आपका सटका नहीं जाता है, क्योंकि थूक आएगा नहीं, खुश्की बनी रहेगी तो आएगा कहां से। तो आप इस परेशानी को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, तो यहां पर आपको क्या लेना है, 50 ग्राम यहां पर आपको साबुत धनिया लेना है, 50 ग्राम यहां पर आपको गिलोय लेनी है, 50 ग्राम यहां पे सफेद चंदन लेना है। ये सब आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। और यहां पर सफेद चंदन और कच्ची खांड 50 ग्राम या 100 ग्राम मिलाकर के इसका चूर्ण बना ले और आप सुबह शाम एक एक चम्मच आप इसको ले सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कि ज्यादा तला भुना आपको यह सब नहीं लेना है, इससे आपको कुछ दिन के लिए बचना है और हमेशा के लिए बचेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो अगर जो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।